सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कुल्हाड़ी से किया हमला, बीमा राशि के लालच ने ली अजय की जान, डॉक्टर दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुल्हाड़ी से किया हमला, वनी तहसील के भूरकी में गुरुवार की शाम 7 बजे चार लोगों ने पिता पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला किया। इनमें से दोनों घायल हो गए। शिकायत के बाद एक ही परिवार के चार सदस्य पर विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। आरोपी में श्रीराम कृष्ण बंदकी, दिलीप कृष्ण राम बंदकी, अशोक कृष्ण राम बंदकी, मयूर दिलीप बंदकी का समावेश है। अक्षय शालिक भोयर और शालिनी नाना जी भोयर गुरुवार की शाम अपने खेत से घर लौट रहे थे। इस दौरान श्रीराम बंदकी के खेत में गुजरते समय पुराना विवाद भड़क गया और कहां सुनी मारपीट के ऊपर उतर गई। एक महीने पहले दिलीप बंदकी के आने जाने वाले रास्ते पर बिजली का तार लगा था, इस कारण भोयर और उनकी बंदकी के बीच विवाद हुआ। गुरुवार को इस क्षेत्र से गुजरने वाले समय रोका गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीमा राशि के लालच में ली अजय की जान। अमरावती में खोलारपुर पुलिस थाने की सीमा में आने वाले ग्राह दामोरी के बस स्टॉप पर अजय रविकरण मुंगामिनी का शव मिला था। इसकी हत्या जमीन और विमान के बीच की बात में बताई जा रही है, जिसके चलते उसके चचेरे भतीजे और रिश्तेदार भी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में आशीष मुगाने, जयश्री मुगाने, पायल मुगाने, बालकृष्ण खरबड़े और ज्योतिष सेनगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक अजय आशोरी आशीर का चचेरा काका था। मृतक अजय के माता पिता थे, इस कारण वह बीते 14 वर्ष से आशीष के घर में रहता था। अजय के नाम पर जमीन और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा था, इस वजह से उसकी हत्या किए जाने की योजना बनाई गई थी, इस तरह का दावा पुलिस ने किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। यवतमाल में डॉक्टर दंपति के खिलाफ शहर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। डॉक्टर मुजवील किशोर और डॉक्टर सारस मुजवील किशोर का समावेश है। पुलिस के मुताबिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल चौहान ने वर्ष 2015 में कॉटन सिटी मेलिवेटेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में समझदारी के रूप में हिस्सा लिया था। अस्पताल चलाने के दौरान लाभ और घाटे को बराबरी में बांटने का निर्णय किया। इस बीच वर्ष 2016 में एक नए डॉक्टर को पार्टनर के तौर पर रखा गया। उनमें से 10 लाख रुपए की राशि ली गई, जिसके बाद वह उन्होंने 3,30,000 के चलते धोखाधड़ी में प्रवर्तित कर दी। वक्त हो चाहे दर्शक ब्रेक का, ब्रेक शॉर्ट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते रहिए एमएनएस। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।